आपने अपने कीबोर्ड में पोज ब्रेक का बटन तो देखा ही होगा। अगर आपने इससे पहले कभी पोज ब्रेक बटन का यूज़ नहीं किया तो इस वीडियो को देख के आप इसका यूज़ समझ जाओगे। पोज ब्रेक बटन किसी फंक्शन या फिर किसी कमांड को पोज करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ आप सीएमडी में कर सकते हो। तो अगर आपको सीएमडी ओपन करना नहीं आता तो आपको विंडो का बटन प्रेस करना है, इसके बाद आपको सीएमडी लिखकर एंटर हिट कर देना है, आपका सीएमडी ओपन हो जाएगा। सीएमडी में हमारे पास एक कमांड होती है जिसका नाम होता है ट्री। ट्री कमांड क्या करता है, यह फोल्डर के अंदर फोल्डर यानी इसको जब तक फोल्डर मिलते रहेंगे ये सभी को यहाँ पर शो करता रहेगा। तो अभी मैं सी ड्राइव में हूँ और यहाँ पर मैं जब ट्री लिखकर एंटर हिट करूँगा तो यहाँ देखिए ये फोल्डर मेरे ओपन करते जा रहा है, इसको जितने भी फोल्डर मिलते जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर मैं कीबोर्ड से पोज ब्रेक बटन को प्रेस करूँगा तो ये इस कमांड को स्टॉप कर देगा यानी एक तरीके से पोज कर देगा। अब देखिए जैसे ही मैं अपने स्पेस बार यानी मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये कमांड हमारी फिर से ऑन हो जाएगी यानी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से कीबोर्ड से पोज ब्रेक बटन को प्रेस करूँगा तो ये कमांड हमारी पॉज हो जाएगी और देखिए मैं यहां पर स्पेस बार बटन को प्रेस करूंगा तो ये कमांड हमारी फिर से चल जाएगी। तो ट्री कमांड क्या करती है, इसको जब तक फोल्डर मिलते रहेंगे सी ड्राइव में ये इस कमांड को चालू रखेगा यानी इस कमांड को ये ऑन रखेगा। जैसे ही आप पॉज ब्रेक बटन को प्रेस करते हो तो इस कमांड को ये पॉज कर देता है। तो आई होप आपको पॉज ब्रेक बटन का यूज समझ में आ गया हो। पॉज ब्रेक बटन की मदद से हम किसी फंक्शन या फिर किसी कमांड को पॉज कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और अच्छी से एक वीडियो में, जब तक के लिए बाय-बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।